एनडीटीवी शुरू हो चुका है। एनडीटीवी इंडिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लॉन्च हो गया है और अभी इस दौर में चुनाव पे चर्चा चल रही है। हर दौर मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, हम उसी पे चर्चा करने के लिए आज एक चौपाल लगाए हैं। हम यहाँ पर खंडवा में यहाँ खड़े हैं एशियन कॉलेज के पास। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, हम इनसे जानेंगे क्या कुछ इनकी अपेक्षाएं हैं, किस तरह से वो चुनाव को देखते हैं और अपने क्षेत्र में क्या विकास चाहते हैं, किस तरह का उनको विकास चाहिए, उनके लिए किस तरह का रोजगार चाहिए, किस तरह की उनकी योजनाएं हैं, सरकार क्या उन योजनाओं पे काम कर रही है, नहीं कर रही है, इस चीज़ को जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हम यहाँ से पे बात करेंगे क्योंकि युवा जो होता है देश का सबसे सशक्त माध्यम जिनको कहा जाता है, देश की युवा शक्ति कहा जाता है। हम इन्हीं युवाओं से बात करेंगे कि बताइए किस तरह से आपका क्षेत्र खंडवा है, खंडवा में क्या विकास हुआ है। खंडवा में विगत 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पर विगत 18 वर्षों से सबसे जो मेन मुद्दे हैं यहाँ पे बेरोजगारी और शिक्षा है। यहाँ पे विगत 18 वर्षों में शिक्षा की जो स्थिति है वो दयनीय होती जा रही है। हमारे ज़िले में ये बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे ज़िले में एक भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। हमारे ज़िले में ना कोई टेक्निक, ना कोई डिजिटल लाइब्रेरी है। यहाँ जो एक माणिक वाचनालय के नाम पर लाइब्रेरी दिखाई जाती है, वहाँ अंदर पंखों के ऊपर कबूतर बैठे रहते हैं। तो ये विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में लोग बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज है, तो ना मेडिकल कॉलेज से इस क्षेत्र को कोई डेवलपमेंट नहीं मिला है। मेडिकल कॉलेज के खुद के नॉर्म्स वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र को क्या उस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। मैं मौसम बड़ा सुहाना हो चुका है, बारिश की बूंदें थोड़ी हल्की हल्की गिर रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन विजय से आग्रह करता हूँ कि थोड़ा सा मौसम का मिजाज भी दिखाए कि यहाँ पे किस तरह का मौसम है, किस तरह से यहाँ पे हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं जी, आप बताएं क्या आपकी उम्मीदें हैं इस क्षेत्र को लेकर के, क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखिए, राजनीति को लेकर अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या युवाओं को आगे आना चाहिए। हम देखते हैं जिस ओर की युवा हमेशा ये भारतवर्ष ही युवाओं का देश कहलाता है। राजनीति में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, आज गवर्नमेंट भी आज नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज केंद्र सरकार, जैसे कल ही देखिए अपन तो अपना चंद्रयान 3 लैंडिंग हुआ है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी आज एक अच्छी योजनाएं लेकर आ रहा है, युवाओं के लिए नए नए काम कर रहा है, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि युवाओं के लिए कीर्तिमान स्थापित जरूर हो रहे हैं, मगर क्षेत्र की हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह से क्षेत्र में विकास चाहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, आप स्कूल एक कॉलेज की ड्रेस में है कि क्या आपके कॉलेज की ड्रेस में ये मतलब कि जो एजुकेशन की है ना, शिक्षा को कमज़ोर करके रख दिया। ये जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, उसमें कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू, उसके बारे में ना तो विस्तार रूप से समझाया गया है, नहीं कुछ बताया गया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है, इसी की बहुत सारे युवा परेशान है। बहुत सारों को तो ये भी नहीं बता होता कि कब हमारा पेपर है, क्या है वगैरह। हाँ, देखिए बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश के बीच में यहाँ पे चाय की चुस्की लोग ले रहे हैं और चाय के साथ में हम चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं जी। बताइए क्या आप सोचते हैं, आपके क्षेत्र के विधायक जो हैं उन्होंने क्या कुछ किया है आपके लिए? देखो, नए समय के साथ परिवर्तन तो आया है, बहुत सारी योजनाएं शासन की यहाँ खंडवा में स्थापित हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी भी महसूस रही है। खंडवा में बहुत सारे कॉलेज खुल भी रहे हैं, अभी नए दिनों में चारों तरफ कॉलेज खुलने में आए, लेकिन एक छोटे से कागज़ के लिए, एक छोटी सी डिग्री के लिए इंदौर तक दौड़ना पड़ रहा है। और ये है कि सबसे बड़ी एक छोटी से छोटी कमियों के लिए यूनिवर्सिटी के लिए इंदौर जाना पड़ता है। और साथ ही यहाँ पे अभी देखें तो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो बहुत सारी योजनाएं शासन की दिखाई भी जा रही है, लेकिन क्या है कि जो जमीनी लेवल की हकीकत है वो कुछ और बया करती है। शासन जो वोटर रहते हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं आजकल लेके आ रहे हैं, लाडी बहना लेके, लेकिन स्टूडेंट की बात करूँ मैं स्कॉलरशिप की, तब स्कूली बच्चे जो है उनके 2 साल तक स्कॉलरशिप अभी नहीं मिली क्योंकि वो वोटर नहीं है, लेकिन कॉलेज के बच्चों की बात करें तो समय पर उनकी स्कॉलरशिप जारी हो रही है। सरकार स्कूटी दे रही है, स्कूटी वही लोगों को दे रही कि जो आप कॉलेज में जाके वोट डालेंगे। जो 12वीं के बच्चों को स्कूटी मिली ना, 10वीं के बच्चों को कहाँ स्कूटी मिली, क्योंकि जो वोटर है जो कॉलेज में जाएंगे उनको योजना है। अब 11वीं और 12वीं के बच्चों को, 9वीं के बच्चों का भी स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो उसके लिए कौन आवाज़ उठा रहा है? किसी अभी शासन की कोई योजना नहीं है। और साथ ही अब यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहुत सारी कॉलेज, हाँ मैं उन चीज़ों के कि सरकार ने विकास तो किया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे अभी कॉलेज पंधाना में खुला है, ये कॉलेज खुला है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी की मांग है यहाँ पे जिले में, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत जरूरी है। साथ ही यहाँ की बात करूँ तो एक बाईपास रोड, स्कूली बच्चे भी वही रोड से निकल रहे हैं, ट्रैफिक भी वही रोड से निकल रहा है, और बड़े बड़े जो वाहन रहते हैं, जो लोडेड वाहन रहते हैं, वो भी सेम कई एक्सीडेंट हो गए, लेकिन अभी तक कोई बाईपास की डिमांड यहाँ पर नहीं आई है। देखिए, ये युवा हैं जो अपनी बात बड़ी खुल के रख रहे हैं, किस तरह से वो सोचते हैं, किस तरह से उनकी जो मांग है कि यहाँ पर
जो है एक बड़ी यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए, क्योंकि खंडवा में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है अपनी खुद की, उन्हें दौड़ करके इंदौर जाना पड़ता है। क्या कहेंगे आप, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बड़ी आवश्यकता है, सरकार को किस तरह से यह कदम उठाना चाहिए? यूनिवर्सिटी की मांग तो यहाँ पे कई सालों से चल रही है और ज़रूरत भी है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि आप देखेंगे कि आसपास जो गांव है और मतलब बुरहानपुर ले लो, खरगोन ले लो, आसपास के शहरों से भी छात्र जो है वो यहाँ पे पढ़ने आते हैं, और हर छोटी मोटी समस्याओं के लिए इंसान को इंदौर भागना पड़ता है, छोटी सी कुछ भी समस्या हो तो। यूनिवर्सिटी की मांग तो खंडवा शहर में अभी ज़रूरत है उसके लिए। युवा के तौर पे आप क्या सोचते हैं कि यार रोज़गार की संभावना है क्या, क्या कुछ रोज़गार मिल पाता है? रोज़गार ये हो पाता है कि जो मतलब जो अपना एसटी एससी का रहता है मेन सर, वो बात है कि यहाँ पर जो ओबीसी और एसटी के उसमें रहा है कि वो चीज़ नहीं रहना चाहिए, मतलब सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए तो रोज़गार भी सबको बराबरी का मिलेगा। अब जैसे अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ने ओबीसी वाले भी होते हैं, एसटी एससी वाले भी मतलब अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, पर उनको मिल नहीं पाती है क्योंकि एसटी वालों को आरक्षण कुल मिला करके आपके आरक्षण। यस सर, बस इसी को मेरा कहना है। देखिए इनकी इनका कहना है कि आरक्षण जिस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, मगर आरक्षण जरूरी भी है, क्योंकि आरक्षण नहीं होगा तो जो जो निचला तबका है जो उसको लाभ नहीं मिल पाएगा हमारे।